शालिनी हुबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इस आप लोगों के मराठी सुलभ भारती इयत्ता सातवीं के बच्चों के लिए। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं आम्ही कथा लिहितो, यानी हम क्या लिखने वाले हैं, तो स्टोरीज जो है वो लिखने वाले है। कथा का मतलब होता है स्टोरी, ठीक है। तो भाई सबसे पहले इसमें क्या दिया है वो हम लोग देखते हैं। भाई विद्यार्थ्यांनो मीन्स स्टूडेंट्स, तुम्हाला गोष्ट ऐकायला वाचायला सांगायला आवडते ना। अभी कहानी भाई सुनना, रीड करना है ना, और किसी को कहानी बताना हर किसी को अच्छा लगता है। ओके, तो तुम लोगों को भी अच्छा लगता है ना। हाँ तो हाँ लगता है भाई, तुम्हाला गोष्ट लिहायला ही नक्कीच आवडेल। तो भाई तुम लोग को अगर सुनना, रीड करना और किसी को कहानी बताना अगर अच्छा लगता है, तो कहानी लिखना भी तुम्हें जरूर पसंद आएगा। ओके, आज तुम्हें गोष्ट लिखना आहा, तो टुडे यू आर गोइंग टू राइट अ स्टोरी। ओके, सो त्याचे नीट आकलन करून घ्या। तो उसके बारे में हम लोग अभी पूरी जानकारी लेते हैं, कोणता प्रसंग आहे। अभी देखो कहानी लिखते समय अभी तुम लोग पिक्चर देखने को जाते हो, पिक्चर देखने को जाते हैं तो कुछ स्टोरी होते हैं ना, लव स्टोरी होती है, फिर कुछ हॉरर मूवीज होती है, कुछ मूवीज होती है वो सस्पेंस मूवीज होती है ना। तो हर एक मूवी में अगर सस्पेंस मूवी है तो उसमें के सिचुएशंस अलग होंगे, कॉमेडी मूवी हो तो उसमें के सिचुएशंस अलग होंगे। ओके, तो इस तरह से सबसे पहले कौनता प्रसंग आहे, तो क्या सिचुएशन है वो इम्पोर्टेंट होता है। ओके, फिर उसके बाद कौन बोलता है, तो कौन बात कर रहा है, कौन बोल रहा है कहानी में, कोणाशी बोलता है, किसके साथ बात कर रहा है, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ वैसे। त्यांच्यात कोणता संवाद चालला आहे, संवाद मीन्स कॉन्वर्सेशन। तुम लोगों को है ना संवाद लेखन देते हैं ना, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, नदी और पेड़ के बीच में संवाद है, तो नदी ने बोला, फिर पेड़ ने बोला, फिर नदी ने कहा, पेड़ ने बोला, ऐसे। तो इसी तरह से ये जो दो लोग हैं उनमें क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है। ओके, या सगळ्यांची कल्पना करा। अभी ये सब तो एक्चुअल में नहीं हो रहा है, तो ये हमें क्या करना है, इमेजिन करना है। कल्पना करा मीन्स इमेजिन करना है। त्या त्या प्रसंगामधील पात्रांचा संवाद तुमच्या वहीत लिहा। तो एज पर सिचुएशन, जो भी वहां पर सिचुएशन चल रहा है, तो वो हिसाब से आप लोगों को वो दो जन आपस में क्या बात कर रहे होंगे वो लिखने के लिए ये लोग कहते हैं। तुमच्या वहीत लिहा, तो वही मीन्स नोटबुक, तो आप अपने नोटबुक में लिखिए। अगदी तुम्हाला पाहिजे तसा, जैसे भी तुम लोगों को अच्छा लगता है ना, तुम्हारी मर्जी से। अभी कहानी तुम लोग बना रहे हो है ना, क्या तुम लोग कॉमेडी बना रहे हो, क्या तुम लोग सस्पेंस बना रहे हो, क्या तुम लोग कैसे बना रहे हो, तो जब भी हम लोग कोई भी कहानी लिखते हैं अपने मन से, तो सारी हमारी कल्पनाएं होती है, वो एक्चुअल नहीं होता है, तो वो एक हमारी कल्पना होती है, ठीक है। फिर अगदी तुम्हाला पाहिजे तसा, यानी तुम कुछ भी इमेजिन कर सकते हो और कहानी लिख सकते हो। तुम्हाला कोणते शब्द वापरावे लागतील, अभी ये कहानी लिखने के लिए कौन से वर्ड्स का तुम लोग यूज करोगे। ओके, वाक्य रचना कशी करावी, तो एक जब सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो प्रॉपर सेंटेंस किस तरह से बनना चाहिए। ओके, वो कोणता काळ वापरावा लागेल, अभी हम लोग जो भी कहानी लिख रहे हैं तो वो कौन से टेंस में लिख रहे हैं। टेंस पता है ना तुम लोग को, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, काल यानी टेंस। तो कौन से टेंस में आप वो कहानी लिख रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं आप कहानी में, पास्ट दिखाना चाहते हैं, क्या आप प्रेजेंट दिखाना चाहते हैं, क्या आप फ्यूचर दिखाना चाहते हैं, तो कौन से टेंस में आप वो कहानी लिख रहे हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। या सर्वांचा मनाशी विचार करा, तो ये सब जो है ना सिचुएशन जो है, ये जो कहानी का सीक्वेंस है उसे तुम लोग है ना बराबर से
सोच के रखना, अभी वो मन में ही सोच के रखेंगे तुम लोग, ओके। गोष्ट लिहून झाल्यावर त्या संदर्भात शिक्षकांशी, मित्रांशी किंवा आई बाबांशी चर्चा करा। अभी तुम लोगों ने इमेजिन भी कर लिया, तुम लोगों ने कहानी भी लिख ली, फिर तुम जाओगे अपने टीचर के पास, अपने फ्रेंड्स लोगों को दिखाओ वो कहानी, अपने टीचर्स को दिखाओ, अपने मम्मी पापा को दिखाओ, उसके ऊपर डिस्कस करो, तो एज पर देयर एक्सपीरियंस वो लोग भी तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकते हैं ना, जैसे मैं बताते रहती हूँ हमेशा, तो वैसे वो लोग भी तुम्हें बताएंगे, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। कथा लिहून झाल्यावर त्यास योग्य शीर्षक द्या। अभी तुम लोगों की कहानी वगैरह हो गई लिख के, तो अभी उसको एक टाइटल तो देना चाहिए ना कहानी को, है ना। भितरा कुतरा कैसे हम लोग देते हैं, भितरा कुतरा, हवरट कुतरा, ओके, क्या बोलते हो, ग्रीडी फॉक्स, ये ऐसे सब हम लोग देते हैं ना, टाइटल देते हैं ना, चतुर बीरबल, जो भी है। तो आपकी जो भी कहानी है तो उस कहानी को आपको टाइटल देना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो अभी नीचे इन लोगों ने हम लोगों को कुछ प्रसंग दिए हैं, प्रसंग यानि एक सिचुएशन दिया हुआ है उन्होंने, तो हम लोग देखते हैं भाई अभी ये क्या है सिचुएशन। तो प्रसंग एक, तो फर्स्ट जो सिचुएशन दिया है कि एकदा एक हरिण जंगला बाहर येते। हरिण डियर जो होता है वो एक बार जंगल के बाहर आई, समोरून एक प्रवासी रेलवे दिसत असते। तो सामने प्रवासी रेलवे जो ट्रेन होते हैं वो उसको दिखाई दी। अभी प्रसंग टू, हरिण प्रवासी रेलवे जवळ येतास तिच्या बरोबर धावायला सुरुवात करतो। हिरण नेचुरली जंगल में ही रहते हैं, वो बाहर आया जंगल से, उसको कंटाला आया जंगल में रहने का, फिर उसने ऐसे सोचा कि चलो जंगल के बाहर जाके देखते हैं भाई क्या है। तो उसने क्या देखा कि एक रेलवे एक ट्रेन जो है वो वहां से गुजर रही है ट्रैक के ऊपर से, ओके। तो उसने क्या किया, वो रेस लगाते हैं ना, वो ट्रेन पहले जाएगा कि मैं पहले जाऊंगा, ऐसे वो नौटी था तुम लोग की तरह ही बिल्कुल। तो वो भी उसने क्या किया, ट्रेन के साथ उसने रेस लगाई, तिच्या बरोबर धावायला सुरुवात केली, तो वो भी ट्रेन के साथ दौड़ने लगा। पुढे एका स्टेशन वर रेलवे थांबते। अभी भाई ये ट्रेन है, उसको तो हर स्टेशन पे रुकना ही है, तो ट्रेन के साथ वो हिरन दौड़ते दौड़ते गया, जब स्टेशन आया तो ट्रेन जो थी वो रुक गई, ओके, रेलवे स्टेशन पे वो रुक गई। हरिण मात्र पूरे धावत जाते, लेकिन ये जो हिरन थी वो आगे भाग के जाने लगी, ओके। प्रसंग चार, अभी ट्रेन रुका स्टेशन पे और हिरन भाग गया, तो वो क्या हो गया, रेस जीत गया ना वो। प्रसंग चार, जंगलात जाऊन इतर सर्व प्राण्यांपुढे आपण रेल्वेला हरवले अशी फुशारकी मारते। हिरन फीमेल है, ओके, हाँ। तो जंगलात जाऊन इतर सर्व प्राण्यांपुढे, अभी वो हिरन जो थी वो जंगल में गई, फिर उसने सबको फुशारकी मारना, मीन्स बढ़ाई करना, ठीक है। तो उसने बोला अरे तुम लोग को पता नहीं है मेरी जो दौड़ है कितनी फास्ट है मालूम है, ट्रेन को भी मैंने हरा दिया, ऐसे वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो ऐसे उसने सबको कहा। अभी प्रसंग पांच, कोल्ह्याला शंका येते। अभी जो फॉक्स था उसे डाउट आया, उसने बोला जरूर कुछ गड़बड़ है। कोल्हा मीन्स फॉक्स एंड हाँ कोल्हा मीन्स फॉक्स बराबर है, और वुल्फ जो होता है उसको लांडगा बोलते हैं ना, बराबर। तो कोल्ह्याला शंका आई, अभी उसको डाउट आया, बोला भाई ये कैसे क्या हिरन को हराता है, बहुत बड़ी ये हराती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तो हरणा बरोबर जंगला बाहर ये तो, अभी उसने भी बोला उसको भाई कहाँ है वो ट्रेन, दिखा मुझे भी, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसे तूने हराया है ट्रेन को। तो वो क्या किया उसने, वो हिरन के साथ वो भी जंगल के बाहर आ गया। पुनः हरणाची व रेलवेची शर्यत शुरू होते। अभी फिर से हिरन और रेलवे के बीच में रनिंग का कॉम्पिटिशन चालू हो गया। कोल्हा दोघांच्या मागे धावत जातो। अभी ये जो फॉक्स था
वो भी इन दोनों के पीछे भागने लगा। देखना था ना उसको कि हिरन कैसे हराती है करके। उसके बाद है प्रसंग 7, तीर रेलवे मालगाड़ी अस्ते। अभी मालगाड़ी तो पता है ना तुम लोग को, कितने सारे डब्बे होते हैं मालगाड़ी में, ठीक है। तो वो रुकती भी नहीं है किसी भी स्टेशन पे, जहाँ पे उसका डेस्टिनेशन है सीधा मालगाड़ी वहीं पे जाके रुकती है, ठीक है। उसको हर स्टेशन में रुकने की जरूरत नहीं होती। तो मालगाड़ी अस्ते कोटे ही न थामता पूरे पूरे जाते, वो नॉन स्टॉप चलती ही जाती है। तो हिरन बिचारी भागते जा रही है ना। हरिण दमून जमीनी वर बसते। अभी वो रुकने वाली ही नहीं है ट्रेन, तो कितना भागेगी हिरन। तो वो थक के नीचे बैठ गई, दमून यानी टायर्ड हो गई वो भाग भाग पे, फिर वो नीचे बैठ गई। प्रसंग 8, मानवाने तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवलेली रेल्वे आपल्या अपेक्षा वेगवान आहे हे हरणाच्या लक्षात आले। अभी मानव मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों ने ये जो टेक्नोलॉजी का यूज करके ये जो ट्रेन बनाई हुई है, तो ये जो ट्रेन है मुझसे बहुत ज़्यादा तेज है, फास्ट है, मैं इसे नहीं हरा सकती। ये वो हिरन को समझ में आ गया, ओके। तो अभी नीचे यहाँ पर दिया है, वरील प्रमाणे विविध प्रसंग देऊन विद्यार्थ्यांकडून गोष्ट तयार करून घ्यावी, मुलांकडून ती गोष्ट वाचून घ्यावी, ठीक है। अभी देखो ये जो स्टोरी है मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, ओके। तो अगली वीडियो जो है, तो ये इस वीडियो में आप लोगों को जो मैं वर्कबुक में ये जो आप लोगों को दिया हुआ है उपयोजित लेखन में, यही कहानी इन लोगों ने आप लोगों को दी है। धावत जाते जंगलात जाऊन इतर सर्व प्राण्यांपुढे आपण हरवले अशी खुशाती मारते, ठीक आहे। पुढील प्रसंगानुरूप गोष्ट लिहा आणि शीर्षक द्या। तो अभी यही सिचुएशंस को हम लोगों को लेकर एक कहानी तैयार करनी है। तो ये कहानी हम लोग किस तरह से तैयार करेंगे, उसे किस तरह से लिखेंगे, ये मैं आपको सिखाऊंगी अगली वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग है ना एंड तक सारे वीडियोस देखना, और सिखाते सिखाते मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स दे देती हूँ आप लोगों को एग्जाम्स के बारे में, तो वो आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लोग फॉरवर्ड करके या आगे आगे करके वीडियोस देखते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है, मत देखो, इससे बेटर है आपको सिंसियरली अगर सीखना है, ईमानदारी से पढ़ना है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखोगे, ठीक है। तो चलो अगली वीडियो में हम लोग लिखने वाले हैं ये उपयोजित लेखन राइटिंग स्किल जो है, जिसमें आम्ही कथा ली, तो ये हिरन की कहानी जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। मैं बाकायदा आपको ये कहानी लिख कर बताने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को काना मात्रा वेलांटी समझ में नहीं आते हैं, लिखते समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए जब मैं लिख के बताऊँगी ना आपको, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और किस तरह से लिखना चाहिए, अक्षरों को किस तरह से लिखना चाहिए, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो एक लाइक तो बनता ही है मेरे लिए, दिया कि नहीं आप लोगों ने अभी तक दिया, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।